आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये 5 दिन है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के जैसी YouTube पर कोई और वीडियो आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है आज से पहले नहीं तो आपने देखी होगी ना तो आपने सुनी होगी। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस 5 दिन में आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट पर आपका 95% जरूर आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो 22 फरवरी से आपका हिंदी का पेपर है, जिसके लिए केवल और केवल 5 दिन आपके पास बचते हैं। अब इस 5 दिन में 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। बस इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। आज की इस वीडियो में टोटल 14 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में उन 14 प्रश्न का हम निपटारा करने वाले हैं। 1 से लेकर 14 तक के सभी सॉल्यूशन को आज की इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। सिर्फ इतना पढ़ लो, 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आज की इस वीडियो के जैसी आपने कभी और वीडियो नहीं देखी होगी। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखता है 100 में 100 लेकर आएगा, इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। इसमें सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ बताया गया है कि किसमें क्या 22 फरवरी को पूछा जाएगा। सिर्फ इतना 5 दिन अगर आप पढ़ लेते हो ना, जितना आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, तो 100 में से 95% नंबर आपका फिक्स है, इसकी 100% गारंटी है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 14 प्रश्न आएंगे और उन 14 प्रश्न का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए। सबसे पहला प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 2 में गद्यांश और पद्यांश के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10 नंबर के होते हैं बाबू, ठीक है। अब इस 10 नंबर का सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए इस वीडियो के बाद आपको 100 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं जाने वाला, इसकी 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। और उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आपसे पूछा जाएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, इस वीडियो को आराम से देखिए, आपका 100 में 100 नंबर जरूर आएगा, इसकी 100% गारंटी है। बस इस वीडियो को देखो और समझो कि इस वीडियो में बताया क्या जा रहा है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आपसे पूछा जाएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसके लिए बाबू आपको अब पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं बचा है, अब आप वही पढ़ो जो 22 फरवरी को पूछा जाए, ठीक है। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न के लिए सिर्फ और सिर्फ आप यही महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ यही 2 गद्यांश आप तैयार करके जाइए 22 फरवरी को, इससे बाहर कोई और आने वाला नहीं है। सबसे पहला गद्यांश आता है राष्ट्र का स्वरूप से वासुदेव शरण अग्रवाल जिसके लेखक हैं। इसके जितने भी गद्यांश बनते हैं उन सभी गद्यांश को आप शुरू से लेकर अंत तक तैयार कर लीजिए ना, आपका 10 नंबर बाबू कहीं नहीं जाने वाला। और दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है अशोक के फूल, इन दोनों से हर साल क्वेश्चन पेपर में गद्यांश उठाए जाते हैं, तो आप इन्हीं दोनों को एकदम विधिवत तरीके से पढ़ लीजिए। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी गद्यांश को पढ़ो, तो आप वही गद्यांश तैयार करो जो 22 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। दोस्तों 5 दिन से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है, 1-1 मिनट बहुत ही तेजी से घटता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4। दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 3 के जैसा ही प्रश्नोत्तर संख्या 4 होगा, जिसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ये भी बाबू 10-10 नंबर का आपका होगा। कुल मिलाकर 3 और 4 प्रश्न से टोटल 20 नंबर आपके पक्के हो जा रहे हैं। इस 10 नंबर के लिए बाबू आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण पद्यांश तैयार करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना, महत्वपूर्ण पद्यांश में मात्र आप ये 2 पद्यांश तैयार करके जाइए, पवन दूतिका वाला, ठीक है। पवन दूतिका वाले जिसके लेखक हैं हरिओत जी, और कैकई का अनुताप जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। आप ये 2 पद्यांश तैयार करके जाइए ना, 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया, इसकी 100% गारंटी है, आपका 10 नंबर टोटल मिल जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आप को इन्हीं 2
पद्यांश को तैयार करके जाना है दोस्तों। अगर आप पूरी बुक पढ़ोगे ना तो आपका समय निकल जाएगा और एक भी पद्यांश तैयार नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही दो पद्यांश आप तैयार कर लीजिए, आराम से आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चौथा प्रश्न भी क्लियर है, अब लिए चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का में आपसे पूछा जाएगा लेखक का साहित्यिक परिचय और प्रश्नोत्तर संख्या 5 खा में आपसे पूछा जाएगा कवि का साहित्यिक परिचय। तो लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय कुल मिलाकर आपके 5, 5, 10 नंबर आपके प्रश्नोत्तर संख्या 5 से मिल जा रहे हैं, तो ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का से आपको क्या तैयार करना है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय लेखक का आप इसमें तैयार कर लीजिए, मात्र 2 तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही 2 तैयार कर लीजिए, पहला है वासुदेव सुंदर अग्रवाल का और दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिए। दोस्तों हर साल यही 2 साहित्यिक परिचय हर सेट में पूछे जाते हैं, अगर देखिए वासुदेव सुंदर अग्रवाल का नहीं आया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जरूर आता है, अगर इनका नहीं आया तो इनका जरूर आता है, ठीक है। तो आप अगर ये 2 तैयार कर लेंगे ना तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, इसकी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5 में, 5 खा में कवि का साहित्यिक परिचय। तो कवि का साहित्यिक परिचय में सिर्फ और सिर्फ ये 2 तैयार कर लीजिए, अगर समय मिलता है तो एक और तैयार कर लेंगे ना तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। सबसे पहला जो पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवन दूत का, ठीक है। तो सबसे पहला आपको तैयार कर लेना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछा जाता है। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछा जाता है। और तीसरे नंबर पर अगर आपके पास समय मिलता है तो मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा का आप तैयार कर लीजिए, इनसे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय बचता है तो महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त जी का आप तैयार कर सकते हैं, 5 नंबर आपके बाबू कहीं नहीं जाने वाले, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो जैसा इस वीडियो में मैं बता रहा हूं तो आपके नंबर बाबू कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो पांचवा भी प्रश्न क्लियर है, अब लिए चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर। इसमें दोस्तों आपको कहानी दी जाएगी जिसका सिर्फ सारांश दिया लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 में कहानी आपसे पूछी जाएगी, इस कहानी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कहानी आप तैयार कर लीजिए, कंफर्म है, 100% नहीं बल्कि 101% कंफर्म है कि यही आने वाला। इसमें दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ पंचलाइट तैयार कर लीजिए या फिर बहादुर तैयार कर लीजिए, या अगर दोनों तैयार कर लेंगे ना तो 5 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो इससे एक भी नहीं छोड़ना, इसे एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अब तैयारी में जुट जाओ एकदम जी जान लगाकर, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 5 दिन में इतनी बेहतरीन तैयारी करो ना कि जो स्टूडेंट हर साल, जो स्टूडेंट पूरे साल पढ़ते थे ना, उनसे भी आगे निकल जाओगे अगर इस 5 दिन मेरे बताए हुए तरीके से हिंदी की तैयारी करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 में आपसे खंडकाव्य पूछा जाएगा, आपको वही खंडकाव्य लिखना है जो आपके जिले में लगता हो, ठीक है। तो इसमें मैं बता दे रहा हूं कि आपको आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य लगेगा, अभी ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला खंड काव्य दोस्तों सत्य की जीत, अब देख लीजिए सत्य की जीत कहां कहां लगता है इसको ध्यान से देखिए। सत्य की जीत दोस्तों बिजनौर में पढ़ाया जाता है, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं और बलिया, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लिए निर्धारित है। तो सत्य की जीत अगर इनमें से कोई एक जिला आपका है तो आप इसे आंख बंद कर तैयार कर लीजिए, 5 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद आता है मुक्त यज्ञ, ठीक है। अब देखिए मुक्त यज्ञ किस किस जिले के है इसको ध्यान से देखिए, मुरादाबाद के लिए है, संभल, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर, कानपुर देहात, फैजाबाद, ललितपुर,
बलिया आदि जिले के लिए है, ठीक है। तो मुक्त यज्ञ अगर इन जिलों में से कोई एक जिला आपका है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रश्मि रथी देख लेते हैं। रश्मि रथी कहां किस जिले में लगता है? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, ठीक है। इन सभी जिलों के लिए रश्मि रथी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आलोक वृत्त। आलोक वृत्त कहां पर लगता है? इलाहाबाद में, अलीगढ़, सहारनपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और सीतापुर के लिए, ठीक है। उसके बाद है त्यागपति। त्यागपति कहां लगता है? आगरा हो गया, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी, ठीक है। इतने जिलों के लिए क्या लगता है? त्यागपति। उसके बाद लास्ट में बचता है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कहां पर लगता है? मेरठ के लिए, आजमगढ़, रायबरेली, हरदोई, बांदा और बहराइच और हमीरपुर जिले के लिए। इतने जिलों के लिए लगता है श्रवण कुमार। उसके बाद देखिए, अब प्रश्न संख्या 7 भी क्लियर हो गया आपका। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि हमारा खंड, हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, तो अब उनका डाउट खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में संस्कृत गद्यांश आपको दिया जाता है। जिस तरीके से हिंदी का गद्यांश होता है उसी तरीके से आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, जिसके लिए बाबू 7 नंबर आपको मिलेंगे। अब इस गद्यांश के लिए क्या तैयार करना है इसको ध्यान से समझिए। संस्कृत गद्यांश सिर्फ और सिर्फ 2 आप तैयार कर लीजिए, आपका 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। सबसे पहला है महामना मालवीय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर सेट में पूछा जाता है महामना मालवीय वाला, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है आत्मज्ञ योम सर्वज्ञ, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है, और अगर समय बचता है तो भारतीय संस्कृति वाला जो चैप्टर्स है ना उसे अगर आप तैयार कर लिए तो आपका 7 नंबर बाबू कौनो भी एग्जामिनर नहीं काट सकता। बस इन सब चीजों को जो बता रहा हूं ना उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसे नोट डाउन करते चलो, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 का वाला क्लियर हो गया। अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 खा में आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर का। 7 नंबर का ए भी रहेगा संस्कृत श्लोक, सिर्फ 2 लाइन लिखना होता बाबू, इसके लिए सिर्फ आपको 7 नंबर मिलेगा। तो आप सुभाषी रत्नानी जो चैप्टर्स है ना उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों को अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो आपका 7 नंबर आज ही पक्का हो गया। लेकिन जो बता रहा हूं उसे विधिवत तरीके से पढ़ना है और इन सभी का पूरा फुल सॉल्यूशन महामैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों में बाबू जरूर शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, ठीक है। अब देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या 9, इसमें मुहावरा आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का। अब इस मुहावरे के लिए मैं आपको बताता हूं, इन महत्वपूर्ण मुहावरों को जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों इसमें ईद का चांद होना, ठीक है, और दूसरा है उल्टी गंगा बहना, और तीसरा है अंधे की लाठी, ठीक है। और देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी नहीं करेंगे ना तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा आपका नंबर आएगा, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अपना उल्लू सीधा करना, उसके बाद आग बबूला होना, ठीक है। उसके बाद है आंखों का तारा होना यानी बहुत अधिक प्यारा, और दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना, गागर में सागर भरना, और देखिए पापड़ बेलना, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में पापड़ ही बेलोगे। और देखिए अंत में देखो अपने पैरों पर खड़े होना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से ला करना आगे चलकर अपने पैरों पर आप खड़े हो सकते हो, बात समझ रहे। तो मुहावरा का आप इस तरीके से इन सभी मुहावरों को तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब 22 फरवरी को देखने को मिलेंगे बाबू, देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही सब मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 10, अपठित गद्यांश यानी जिस तरीके से बबुआ अनसीन पैसे जवाब पूछा जाता ना उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का अपठित गद्यांश। अब दोस्तों अपठित गद्यांश ना तो आपके बुक में होता ना तो कोई एग्जामिनर बता सकता है कि यही आएगा, तो इसलिए अपठित गद्यांश पर जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज्यादा ये आपको याद होता जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो अपठित गद्यांश के लिए बाबू ना सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये आपको याद हो जाएगा। तो अपठित गद्यांश की सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, बात समझ रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों आता है प्रश्नोत्तर संख्या 11 में। दोस्तों ये पूछा जाएगा बाबू आपसे 8 नंबर का, ठीक है, 8 नंबर का ये पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है, शब्द युग्म पूछा जाता है, ठीक है, एक शब्दों के दो शब्द पूछा जाता है, अशुद्ध वाक्य दिया जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया जाता है। तो इसके लिए बाबू का तैयार करना हम बताते हैं ना, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए वाक्य संशोधन में जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य होते हैं कैसे पूछे जाते हैं इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए बच्चे कक्षा में पढ़ा रही, तो ये बाबू एकदम गलत है, इसका हो जाएगा बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और तुम कुर्सी पर बैठा है ये भी गलत है, इसका हो जाएगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। तो इस तरीके से वाक संशोधन वाला बाबू आपको दिया जाएगा, इसको अगर आप समझे रहेंगे तो इसको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान होता है। तो आपको इसको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आता है शब्द युग्म, शब्द युग्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दो शब्द दिए जाएंगे और दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, जैसे पुरुष परुष पढ़ने में बिल्कुल सेम रख रहा है लेकिन इसके अर्थ बहुत अलग है, ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। पुरुष परुष, फिर अंश और अंश, ठीक है, फिर श्रवण और शर्मण, और वहन और बहन, ठीक है, और अंश और अंश, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अंबुज और अंबुज, ये सब जितने बता रहा हूँ ना यही सब 22 फरवरी का आने वाले हैं बाबू। तो आप बिल्कुल भी आँख बंद करके इन सब की तैयारी में बिल्कुल जी जान लगाकर एकदम जुट जाओ। और संकर और शंकर, ठीक है, और जलज जलद, अनिल और अनल, ठीक है, और तरुणी और तरुणी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इनको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 12, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 में आपसे पूछा जाएगा रस छंद और अलंकार। इसमें बाबू आपको क्या तैयार करना है इसको ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण रस और छंद अलंकार में आप देख लीजिए। रस में आपको तैयार कर लेना हास्य रस और वीर रस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हास्य रस और वीर रस, ठीक है। उसके बाद है छंद में आपको दोहा सोरठा और चौपाई, दोहा और चौपाई सिर्फ तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अलंकार में, अलंकार में रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 6 चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो ना जो मैं बता रहा हूं तो आपका 6 नंबर बाबू कहीं नहीं गया। बस आपको सिर्फ इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एकदम साफ सुथरी कॉपी में लिख कर आना है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करने वाला। अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 13, जिसमें आता है बाबू पत्र लेखन। अब इस पत्र लेखन में ध्यान दीजिए क्या आपको तैयार करना है, पत्र लेखन में ये 3 पत्र, मात्र ये 3 पत्र आप तैयार करके जाओ ना, इससे बाहर बाबू एक भी आने वाला नहीं है। तो पहला पत्र जो है बैंक में खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक में खाता खुलवाना हेतु प्रार्थना पत्र, यानी आपकी जब छात्रवृत्ति आती है तो उसके लिए बैंक में खाता खुलवाया जाता है, तो उसी को शाखा प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है उसी के लिए, ठीक है। उसके बाद शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, आपके मोहल्ले आपके शहर में अगर बीमारी कोई फैल गई है तो उसके रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है, तो इस पर पत्र आपको तैयार करना है। उसके बाद कुटीर उद्योग के लिए बैंक से ऋण के लिए प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र, यानी आपको कोई छोटा सा बिजनेस करना है उसके लिए आपको ऋण लेना है, लोन लेना है बैंक से, तो उसके लिए आपको क्या करना है पत्र लिखना होगा, यही पत्र लिखना होता है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है प्रश्न पत्र रस छंद अलंकार, बाबू आपका 6 नंबर का बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद आता है पत्र लेखन, पत्र लेखन में आपका आता है 6 नंबर का, ठीक है, तो 6 नंबर का आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, 6 नंबर की इसमें क्या तैयार करना है। अब आता है निबंध, ठीक है, निबंध बाबू आपका 9 नंबर का आएगा। अब इस निबंध में क्या तैयार करना है इसको ध्यान से समझना, मात्र ये 3 निबंध तैयार कर लो ना आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाने वाला। महत्वपूर्ण निबंध में देखिए मात्र 3 तैयार कर लो, पहला आप प्रदूषण की समस्या और बाढ़ की समस्या, इन दोनों पर एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो, और आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 और आज़ादी का अमृत महोत्सव, कभी नहीं पूछा गया था लेकिन
2022 के 2023 के हर सेट में आया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जितनी भी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने बताया है, ये सब इतने सारे चूर्ण थे जो आज की इस वीडियो में हमने आपको खिलाया है, इन सभी को अगर आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ना बाबू, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। चलिए चलते हैं किसी मोटिवेशन लाइन से कि आंखों में नींद बहुत है, ठीक है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये 5 दिन है आपके पास कुछ कर दिखाने के लिए, इसे खोना नहीं है। दोस्तों आपके पास 5 दिन से भी कम समय बचा है, अब इस 5 दिन से भी कम समय में आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है।